पीएम मोदी आज भारत के G20 प्रेसिडेंसी के लोगो, थीम और वेबसाइट का करेंगे अनावरण। पीएम मोदी शाम 4:30 बजे वोट चिन्ह जोड़ेंगे। चुनावों के मद्देनजर दिल्ली में आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की होगी बैठक, गुजरात बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। सीएम अरविंद केजरीवाल का आज 5 दिवसीय गुजरात दौरे का आखिरी दिन, कई इलाकों में करेंगे रोड शो, पार्टी के लिए करेंगे प्रचार। आज से 2 दिनों के हिमाचल दौरे पर आएंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, हिमाचल में पार्टी प्रत्याशी के लिए करेंगे चुनावी प्रचार। रूस के दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर आज रूस के विदेश मंत्री से करेंगे मुलाकात, दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। विरोधियों पर राजनाथ का बड़ा हमला, कहा कि व्हाइट बॉल बन गई है कांग्रेस, आम आदमी पार्टी की हालत नो बॉल जैसी है, गुड लाइन लेंथ में के साथ ही खेल रही है बीजेपी। बेंगलुरु कोर्ट से कांग्रेस को एक बड़ा झटका, कोर्ट ने कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करने का निर्देश दिया। आज पर हिमाचल में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम योगी, हिमाचल में कांगड़ा कुल्लू शिमला में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। लखनऊ में गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी, प्रकाश उत्सव कार्यक्रम सुबह 9 बजे से होगा शुरू। AIIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर जबरदस्त हमला, कहा केजरीवाल छोटे मोदी हैं। AIIMIM नेता वारिस पठान का आरोप, कहा कि वंदे भारत ट्रेन में ओवैसी पर हुआ पथराव, वंदे भारत ट्रेन में सफर के दौरान ट्रेन पर किसी ने पत्थर फेंके। बिहार के सासाराम में बाबा रामदेव ने कट्टरपंथियों पर निशाना साधा, कहा गजवाए हिंद नहीं चलेगा अब। केरल के कोझिकोड में पहली बार नजर आया भारत में हिजाब का विरोध, 50 मुस्लिम महिलाओं अबीनी के समर्थन में हिजाब को जलाया, आजादी के नारे लगाए। कर्नाटक के ईदगाह मैदान में एक बार फिर से बढ़ सकता है बवाल, 11 नवंबर को मुस्लिम पक्ष ने टीपू सुल्तान की जयंती के लिए जबकि हिंदू पक्ष ने कनक जयंती के लिए मांगी थी इजाजत। ज्ञानव्यापी मामले में आज अहम सुनवाई, मुस्लिमों के प्रवेश प्रतिबंधित और ज्ञानव्यापी परिसर हिंदुओं को सौंपे जाने एवं पूजा के अधिकार पर आना है फैसला। मुख्तार के साले शर्जिल रजा को ईडी की टीम ने हिरासत में लिया है, सोमवार को गाजीपुर जेल से रिहा हुआ था शर्जिल रजा, जेल के गेट से हिरासत में लिया गया। शामली में लव जिहाद का शिकार हुए एक युवती ने आत्महत्या कर ली, आरोपी मुस्लिम लड़के ने नाम बदलकर फेसबुक के जरिए युवती से की थी दोस्ती। 2 दिन के लखनऊ दौरे पर आई एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के खिलाफ लगे पोस्टर, पोस्टर में लिखा नवाबों के शहर में आपका स्वागत नहीं। कश्मीर और मौसम की पहली भारी बर्फबारी, गुलमर्ग सोनमर्ग और पहलगाम में ताजा बर्फबारी से सफेद चादर बिछी। यूक्रेन के बखमूत में रूसी सेना की एयर स्ट्राइक, लोगों को सुरक्षित बाहर निकालते दिखे पुलिसकर्मी, युद्ध के बीच में बढ़ते खतरे को देखते हुए लोगों का किया गया रेस्क्यू।